नमस्ते दोस्तों, फूडीज फ्लेवर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम सॉफ्ट स्पंजी रसगुल्ले के रेसिपी लेके आ गए हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, घर में ही बना सकते हैं और ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगा। और दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पास वाली बेल आइकन पर एक क्लिक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा, एक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। एक कप चीनी और एक कप पानी अच्छी तरह जाल करके उतार लेंगे। चाशनी रेडी हो गया है, अब इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे दूसरे बोल में। ये चाशनी हम लास्ट में यूज़ करेंगे। अब हम रसगुल्ले बनाएंगे। हमने यहाँ पे 1 लीटर दूध ले लिए, दूध गैस पर चढ़ा दिए। दूध में उबाल आ जाने पर गैस बंद कर देंगे। एक छोटे कटोरी में 4 टीस्पून विनीगर और 4 टीस्पून पानी स्पून से मिक्स कर लेंगे। अब विनीगर के बदले में नींबू के रस यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब ये मिश्रण थोड़ा थोड़ा करके दूध में ऐड करेंगे। जब तक दूध ना फट जाए विनीगर मिलाते रहेंगे। अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा और विनीगर पानी से मिला के ऐड करेंगे। धीरे धीरे करके चलाते रहेंगे और छेना रेडी हो जाएगा। अब एक बोल के ऊपर एक छलनी रख देंगे और छलनी के ऊपर एक कपड़ा रख देंगे। अब कपड़े के ऊपर छेना डाल देंगे। अब छेना के ऊपर पानी डाल देंगे, इससे विनीगर का खट्टेपन दूर हो जाएगा। निचोड़ के पानी बाहर कर देंगे। प्लेट के ऊपर छेना रख देंगे। पहले हाथों से तोड़ देंगे, फिर अच्छी तरह मसल लेंगे। हथेली के इस जगह से हम मसलेंगे। 5 मिनट तक इसी तरह मसलेंगे। बिल्कुल स्मूथ बनाना है। एक टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिला लेंगे। छेना से एक डो बना लेंगे। अब इस डो से छोटे छोटे बॉल बनाएंगे। इसी तरह दोनों हाथों से घुमा घुमा के बॉल बना लेंगे। बॉल में बिल्कुल ही क्रैक नहीं होनी चाहिए। इसी तरह सारे रसगुल्ले बना लेंगे। देखिए कोई भी क्रैक नहीं है। सारी बॉल बना लिए। अब एक बॉल में 1 कप चीनी और 3 कप पानी डाल देंगे और स्पून से मिला लेंगे। गैस पर चढ़ा देंगे। 1/4 चम्मच इलायची के पाउडर ऐड करेंगे, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। हाई फ्लेम पर जाल करेंगे और पूरा उबल आने पर एक एक करके बॉल छोड़ देंगे। दो मिनट तक ऐसे जाल करके ढक्कन देके ढक देंगे। अब 5 मिनट तक जाल करेंगे। 5 मिनट बाद ढक्कन खोल देंगे। देखिए कितना फूल गए है। अब थोड़ा चम्मच से रसगुल्ले ऊपर नीचे कर लेंगे, फिर ढक्कन से ढक देंगे और 5 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे। और इस गर्म गर्म रसगुल्ले को जो पहले वाली चाशनी बनाए थे उसमें डाल देंगे। पहले वाली चाशनी के बोल में डाल दिए। अब ये रसगुल्ले इसी साइज़ के रह जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर से एक नया रेसिपी लेके आ जाएंगे। तब तक के लिए टाटा, थैंक यू।